साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट किए थे, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे उसमें से मैंने बेसिकली 6 या 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसमें कोशिश की थी कि एक आपकी स्ट्रैटेजी भी बन जाए कि 2021 में जब आप यूपीएससी अपियर करेंगे तो किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से वो कन्वेंशनल तो नहीं है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से देखोगे आप, ये परंपरागत जो प्रश्न होते हैं वो हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं, पॉलिटी से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, इनफैक्ट ज्योग्राफी से भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन यदि आपसे कोई बोलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूपीएससी जनरल स्टडीज प्रीलिम्स के अनुसार प्रिपेयर करना है तो आपको कहीं ना कहीं एक डिफरेंट रूट, डिफरेंट अप्रोच जनरेट करनी होगी, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में यदि मैं बात करूं तो आज के लेक्चर में हम, ये जो दूसरा मेरा सीरीज का दूसरा लेक्चर है, तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। कोशिश करूंगा कि आपका एक फ्रेमवर्क तैयार हो, मतलब आपका एक माइंडसेट तैयार हो, ठीक है ना। तो जब ये माइंडसेट तैयार होगा तो आप यूपीएससी को नेक्स्ट टाइम अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, यूपीएससी की जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये जो प्रिपरेशन होती है ये हमारी स्टार्ट होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो आज की डेट में हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया है वो 2020 का हो गया है, ठीक है। तो 2020, 2019, 2018, 2017, 16, इस तरीके से जब एक एक पेपर का आप इनडेप्थ एनालिसिस करोगे तो आप समझ पाओगे कि आपको यूपीएससी की तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्लाइड्स में एक एक क्वेश्चन आएंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लेते जाएंगे और देखते जाएंगे कि आखिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। देखो इस बार क्या है, एग्रीकल्चर का वेटेज एकाएक बढ़ गया है, ठीक है ना। अब एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन है वो साइंस टेक्नोलॉजी से भी कोरिलेट हो जाता है, इकोनॉमी से भी कोरिलेट होता है और ज्योग्राफी से भी कोरिलेट हो जाता है, ठीक है ना। जब एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री के कुछ कंटेंट जोड़ दिए जाते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अल्केलिनिटी, अल्कलिनिटी की जब बात होगी तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं साइंस टेक का पार्ट बन जाएगा। तो एग्रीकल्चर का वो वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोरिलेट है। जैसे एमएसपी की जब बात की जाएगी तो इकोनॉमी से कोरिलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे पूरे साल भर हमारे देश में कृषि एक हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन हम लोग जो अपनी तैयारी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है यदि आप कल को एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है ना, फार्म बिल्स, इस तरीके की चीजों को इग्नोर करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है गवर्नमेंट या यूपीएससी जब ये पेपर फ्रेम करें तो उनका ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस इन्हीं टॉपिक्स पर रहे, ठीक है ना। तो अब जो पेपर्स बन रहे हैं ना तो उसमें आप देखोगे जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं उनका वेटेज धीमे धीमे कम होता चला जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो टॉपिक्स जो हमेशा एक हॉट इश्यूज रहते हैं, जो हमेशा न्यूज में रहते हैं, जो साल भर चर्चा में रहते हैं, उनका वेटेज क्या है हमारा, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया फर्टिगेशन, ठीक है ना। अब ये जो फर्टिगेशन वर्ड यूज किया गया है इसको थोड़ा सा क्या हम लोग देख लेते हैं, फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है। देखिए फर्टिगेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, ठीक है ना। मतलब आप इरिगेशन के माध्यम से या इरिगेशनल प्रैक्टिसेस के माध्यम से किस तरीके से फर्टिलाइजर को जमीन के अंदर पहुंचाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली फर्टिलाइजर और इरिगेशन से मिलकर एक वर्ड बनता है जिसे फर्टिगेशन कहा जाता है। तो ये जो फर्टिगेशन बेसिकली वर्ड है ये एक कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में, ठीक है ना। हर एक किसान, भले किसान को तो ज्यादा विज्ञान या विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं आती है लेकिन उसे पता है फर्टिगेशन क्या होता है, क्योंकि वो एक रेगुलर प्रैक्टिस में इसको अडॉप्ट करता है, ठीक है ना। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। मतलब जब फर्टिलाइजर को आप इरिगेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जमीन में पहुंचाने का प्रयास करते हैं तब इसे क्या कहा जाता है, फर्टिगेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन तो इजी है लेकिन जो शब्द है फर्टिगेशन उससे क्या आ रहा है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा क्या हो रहा है, टफ बन जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे और एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर होगा कि कोई भी किसान ऐसे फर्टिलाइजर को ही यूज करेगा, ऐसे ही उर्वरक को यूज करेगा, ठीक है ना, जो वाटर सॉल्यूबल हो। जो वाटर सॉल्यूबल नहीं होगा तो मतलब वो मिट्टी में आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो एक ऐसा फर्टिलाइजर जो वाटर सॉल्यूबल होता है वही फर्टिगेशन के अंतर्गत प्रयुक्त किया जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर, फर्स्ट कंट्रोलिंग द अल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, सेकंड एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल, थर्ड इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स इज पॉसिबल, एंड फोर्थ
रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इट्स पॉसिबल, ठीक है ना। अब ये जो चारों ऑप्शंस हैं, बेसिकली चारों ऑप्शंस, कई बार देखो क्या होता है, जब नॉलेज होती है तो कई बार हमको क्या लगता है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब नॉलेज नहीं होती है तो कई बार क्या लगता है, अरे यार ये तो सारे के सारे सही लग रहे हैं या सारे के सारे गलत लग रहे हैं, ठीक है ना। ये यूपीएससी में कॉमन चीज है, जिसको इसके बारे में जानकारी है तो वो क्या करेगा, एलिमिनेशन मेथड में जाएगा। कौन से मेथड में जाएगा, एलिमिनेशन मेथड में जाएगा, ठीक है ना। अब एलिमिनेशन मेथड को किस तरीके से यूज करना मैं बताता हूं। देखो सपोज करो कि आप चार में से एक या दो स्टेटमेंट नहीं समझ पा रहे हो या उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड यूज किया जाता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, एफिशिएंट अप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल। रॉक फॉस्फेट, देखिए रॉक फॉस्फेट ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं हो पाता, और मैंने फर्टिगेशन का सबसे बेसिक मतलब यही बताया था कि जब फर्टिलाइजर्स पानी में सॉल्यूबल होते हैं वो आसानी से मृदा द्वारा अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, और किसानों के द्वारा इसी को फर्टिगेशन तकनीक के अंतर्गत प्रयुक्त किया जाता है। तो रॉक फॉस्फेट आसानी से वाटर सॉल्यूबल नहीं होता है। दैट मीन्स सेकेंड जो पॉइंट है जिसमें लिखा है एफिशियंट अप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल। अब इसका एफिशिएंट एप्लीकेशन कैसे पॉसिबल होगा, जब ये मृदा द्वारा अवशोषित नहीं हो पाएगा, जब ये वाटर सॉल्यूबल नहीं होगा, तो सेकंड हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जब सेकंड गलत हो जाएगा तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है सेकंड, ये भी गलत हो जाएगा, बी में आ रहा है सेकंड, ये भी गलत हो जाएगा, और डी में भी सेकंड आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑब्वियसली देखो एक पॉइंट से आपने किस तरीके से पूरा क्वेश्चन सही कर दिया, इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना, दैट इज 1, 3 एंड 4, ठीक है ना। अब भले आपको बाकी सारों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को उठाकर इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रख लेना कि यूपीएससी के पेपर में जरूरी नहीं आपसे एक क्वेश्चन 100% बने, पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बात समझाई थी, लेकिन यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन 50% भी बनता है तो भी आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, बशर्ते आपको एलिमिनेशन की ट्रिक आती है। तो ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ये हमने एलिमिनेशन मेथड से किया है, एंड मैं आपको बता भी चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं जो ये कह सकते हैं कि 100 में से 40 क्वेश्चंस हम एज इट इज बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता। याद रखना यदि 100 में से 20 या 25 क्वेश्चन भी आप डायरेक्टली बना पा रहे यूपीएससी के, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक ना एक ऐसा स्टेटमेंट फंसेगा जो कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना। तो फर्टिगेशन से न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे प्लांट्स को, बिल्कुल सही है, और जो रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल, ये भी बिल्कुल सही है, एंड कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, मिट्टी में जब पानी की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो वहां पर एसिडिक सब्सटेंस भी बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है ना, तो ये भी अपने आप में क्या होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। क्लियर हुआ, होप सो आप ये समझ पाए होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। अब मैं आता हूं अपने अगले क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। तो देखिए क्या होता है, क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं, इनमें से कई सारे क्वेश्चंस हमारे एलिमिनेशन मेथड से क्या हैं, सॉर्ट आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो जिन क्वेश्चंस में 50% भी आप समझ पा रहे हो, जिन क्वेश्चंस को 50% अप्लाई कर पा रहे हो, उसमें आप एलिमिनेशन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व हो पाएगा। ये जो क्वेश्चन है टिपिकल फैक्चुअल क्वेश्चन है, टिपिकल फैक्चुअल क्वेश्चन इसलिए मैं समझाता हूं, इसे मैं टिपिकल फैक्चुअल क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखो क्या होता है, इतना डेप्थ में जाके आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को नहीं पढ़ते हो। देखो अच्छी बात है, यदि आपका आईएएस एक बहुत बड़ा एम है कि नहीं आपको आईएएस करना ही करना है, तो फिर आप कुछ भी नहीं छोड़ोगे, लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का पढ़ते हो या एक इंटरमीडिएट डेप्थ में पढ़ते हो, तब आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उससे रिलेटेड जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें इतना डिटेल में नहीं जाते हो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स, ठीक है ना। अब ये चार मिनरल्स आपको देके रखे हैं। देखो अब जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मिनरल्स के एटलीस्ट उन्होंने नाम सुने होंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बेंटोनाइट। बेंटोनाइट एक ऐसा मिनरल होता है, बेसिकली बेंटोनाइट एक ऐसा मिनरल होता है जिससे ऐसी मिट्टी बनती है जिसे आप क्ले पाउडर के फॉर्म में चेहरे में इस्तेमाल करते हैं, और आजकल जितने भी आयुर्वेदिक मेडिकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं
जो दावा करते हैं कि जो एक्ने है, एक्ने की प्रॉब्लम को ये जो मिट्टी है ठीक कर सकती है, या उनका जो कोई भी एक्ने रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें आप कोई मड रिलेटेड प्रोडक्ट देखते हो तो उसमें कहीं ना कहीं बेंटोनाइट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इसका अप्लीकेशन नहीं पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है, ये चार नाम देखे, बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट और सिलिमेनाइट, इनका नाम देखे पूछा है कि इनको ऑफिशियली मेजर मिनरल्स कब डिटेक्ट कब डेजिग्नेट किया गया है, मतलब इनमें से कौन से मिनरल्स मेजर मिनरल्स हैं। देखो इसमें कोई भी, देखो एक डेफिनेशन क्या होती है मेजर मिनरल्स की, मेजर मिनरल्स ऐसे मिनरल्स को कहा जाता है जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं, मतलब ऐसे मिनरल्स जो आप डेली अधिक मात्रा में अपने शरीर के लिए प्राप्त करते हैं, अपने शरीर की ग्रोथ के लिए प्राप्त करते हैं, ऐसे मिनरल्स को क्या कहा जाता है, मेजर मिनरल्स। एक एक डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक डेफिनेशन होती है। और ऐसे मिनरल्स जो आपके शरीर के लिए जरूरी हैं लेकिन आप उनको अधिक मात्रा में नहीं लेते हैं, ऐसे मिनरल्स को क्या कहा जाता है, माइनर मिनरल्स कहा जाता है। ये एक डेफिनेशन बनती है, लेकिन इस प्रकार की डेफिनेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन कब इम्प्लीमेंट हो पाती, जब वहां पर लिख देते कि आपकी बॉडी के लिए इनमें से कौन से मिनरल्स को मेजर मिनरल्स कहा जाता है, तब आप कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पर देखोगे गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके देखो और ये देखो कि गवर्नमेंट ने किस मिनरल को मेजर मिनरल कहा है और किस मिनरल को क्या कहा है, माइनर मिनरल कहा है, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज आप क्लियर कर लोगे, एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि ये जो बेंटोनाइट है, बेंटोनाइट जैसे आप लिस्ट देखोगे तो जो बेंटोनाइट है, बेंटोनाइट आपका ये बेंटोनाइट, ये बेंटोनाइट आपका माइनर मिनरल की लिस्ट में आता, माइनर मिनरल की लिस्ट में आता है, ठीक है ना। अब फिर वही बात है, यदि आपसे क्वेश्चन ये बनता है तो कर पाओगे, नहीं तो हिट एंड ट्रायल में तो बहुत मुश्किल इस तरीके का क्वेश्चन सही करना, ठीक है ना। पूरा का पूरा गूगल करोगे आप, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट इज मेजर मिनरल एंड सेकेंड इज माइनर मिनरल, ठीक है ना। एज सच इनका कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको क्लासिफाई करके रखा हुआ है इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो बेंटोनाइट है बेसिकली ये माइनर मिनरल के श्रेणी में आता है। तो बेंटोनाइट कहाँ कहाँ पर है आप देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन ए में है, ये हट जाएगा आपका, ठीक है ना। बेंटोनाइट आपका क्या हो गया, माइनर मिनरल हो गया आपका, ठीक है ना। तो विच ऑफ द अबव आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स, ठीक है ना। तो मेजर मिनरल्स आपको बताना है, तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो बेंटोनाइट आपका क्या है, माइनर मिनरल है। तो ये देखो आप, यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सिलिमेनाइट, ये मेजर मिनरल है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिलिमेनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, ये तीनों क्या है, आप सूची देखेंगे तो तीनों आपको पता पड़ जाएगा, क्रोमाइट, काइनाइट और सिलिमेनाइट, ये तीनों क्या है हमारे मेजर मिनरल्स में आते हैं, जबकि बेंटोनाइट क्या है हमारा, माइनर मिनरल की श्रेणी में आता है, ठीक है ना, ये माइनर मिनरल की श्रेणी में आता है। तो सेकंड क्वेश्चन बेसिकली इसमें आप देखोगे तो इसमें मतलब 100 में से मैं मान के चलूंगा कि इसको 25% स्टूडेंट्स ने ही सही किया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन यदि गलत भी हो जाए या तो आपको आता है तो अटेम्प्ट करिए, और नहीं आता तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मैं ईजी इसलिए कह रहा हूं, आप भारत में जब भी किसानों से संबंधित मुद्दों की चर्चा करते हैं तो उनमें से एक प्रमुख मुद्दा होता है यूरिया। आपने कभी सुना है कि यूरिया का जो प्राइस है वो मार्केट ड्रिवन है, भाई केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक, भारत में जो रासायनिक उर्वरकों के रूप में जो जो सब्सटेंसेस प्रयोग किए जाते हैं उनमें से सबसे पहला क्या है, यूरिया सबसे प्रमुख है। आपने हमेशा देखा होगा गवर्नमेंट हमेशा यूरिया के प्राइसेस को रेगुलेट करती रहती है, यदि मार्केट ड्रिवन हो जाएंगे मार्केट के अनुसार, भाई गवर्नमेंट यदि इसमें सब्सिडी नहीं देगी, मार्केट ड्रिवन हो जाएंगे तो एक समय बाद क्या होगा, आप समझ पाओगे कि किसान यूरिया भी परचेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि एक हमारा जो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर है उस पर क्वेश्चन पूछा गया, बेसिक क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को सही बना लिए होंगे, ठीक है ना।
लेकिन यदि कुछ चीजें आपको क्लियर नहीं है तो हो सकता है ये जो क्वेश्चन है आपसे गलत भी हो जाए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो ये पहला पॉइंट अभी मैंने आपको बता दिया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जब भी आप चर्चा करोगे तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूरिया होता है। यूरिया के प्राइसेस को गवर्नमेंट क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या लिखा, एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन। क्या मार्केट ड्रिवन है? गलत, समझ गए ना, एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये मतलब गलत है, याद रखना। ठीक है ना, गवर्नमेंट यूरिया के प्राइसेस को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है ना, रिटेल प्राइसेस आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? तो यहां पर पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब एलिमिनेशन में चले जाओ तो ए वाला गलत हो जाता है आपका और डी वाला गलत हो जाता है, बचेगा क्या आपका, बी एंड सी। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन है, अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। ठीक है ना, अब देखो जिन लोगों ने 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ी है ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए जब आप अमोनिया को प्रोड्यूस करते हो तो सबसे पहले आप एक नेचुरल गैस को, आपके द्वारा क्या किया जाता है, एक नेचुरल गैस को हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है और फिर हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया का प्रोडक्शन किया जाता है। हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके, ठीक है ना, अमोनिया का प्रोडक्शन किया जाता है। तो एक बेसिक 10th क्लास की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और आप यहां पर देखोगे क्या लिखा हुआ है आपका, अमोनिया विच इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना, कि जब भी आप अमोनिया को प्रोड्यूस करने जाते हैं तो सबसे पहले नेचुरल गैस को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, ये सही हो जाता है। अब देख लो, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है सी और बी में, क्योंकि यहां पर थ्री इंक्लूड है, थ्री थर्ड स्टेटमेंट, ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसका एनालिसिस करना ही पड़ेगा। सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। बिल्कुल सही है, जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज होती हैं उनसे सल्फर बाहर निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, समझ गए ना, ये बाहर निकलता है। तो ठीक है ना, तो याद रखना सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर्स। यदि आपको ये भी नहीं आता कि फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर्स का रॉ मटेरियल सल्फर होता है कि नहीं होता, तो यहां से समझ जाना कि ये ऑयल रिफाइनरीज का क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। मतलब ऑयल रिफाइनरीज में जहां पर ऑयल को रिफाइन किया जाता है, क्योंकि नेचुरली आपने देखा जो ऑयल होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, गाढ़ा होता है और इसमें बहुत सारे केमिकल्स को यूज करके इसकी रिफाइनिंग की जाती है। इसमें ऑयल को हीट भी किया जाता है अलग अलग टेम्परेचर्स पर। तो जब ऑयल को आप अलग अलग टेम्परेचर्स पर हीट करते हैं, कहां पर करते हैं, रिफाइनरी में, तब बाय प्रोडक्ट के तौर पर आप क्या प्राप्त करते हो, सल्फर प्राप्त करते हो। अगेन आपने 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ी है तो बिल्कुल आप इसको सही कर लेंगे। तो यहां पर 2 and 3 ये बिल्कुल क्या होता है, सही हो जाता है। तो आप देखेंगे ये 4th क्वेश्चन का जो आंसर है ये 2 and 3 है। देखो क्या है, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बहुत सारी आंसर शीट्स हैं, ठीक है ना, आप ब्लाइंडली किसी भी आंसर शीट को फॉलो नहीं कर सकते जब तक आपको ये पर्टिकुलर एनालिसिस नहीं पता। भाई आप कैसे कोई भी आंसर मान लोगे जब तक आप एक एक स्टेटमेंट का एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक आप उसको जांचोगे नहीं, परखोगे नहीं, तब तक आप कोई भी आंसर शीट को किस तरीके से ट्रस्ट कर लोगे। तो मेरा तो सुझाव आपको यही है कि एक एक क्वेश्चन का इनडेप्थ एनालिसिस कीजिए और फिर आप उसको टैली कीजिए कि आंसर प्रॉपर सही है या नहीं है। क्लियर हुआ आपको? तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है, कि इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन में आता हूं। देखो बायोडायवर्सिटी के जो क्वेश्चंस हैं ये तो मतलब मान के चलो यूपीएससी ने इनको अपना एक ट्रेंड बना लिया है। ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें बायोडायवर्सिटी के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी एनवायरमेंट इकोलॉजी के बायोडायवर्सिटी सेक्शन से पूछा, किसी भी वनस्पति के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, या किसी भी जंतु प्रजाति के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, या किसी भी नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सब बायोडायवर्सिटी के क्वेश्चन होते हैं। क्या पूछा है, विथ रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क।
अब यार ये आपने यदि इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा है तो डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा होगा। ये जो भारत का थार मरुस्थल है वहां की इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, भारत का जो थार मरुस्थली क्षेत्र है वहां की इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डेजर्ट नेशनल पार्क विकसित किया गया है, ठीक है ना। अब डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। पहला, अब ये थोड़ा सा क्या ट्रिकी पॉइंट है, पहला स्टेटमेंट, इट इज स्प्रेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट्स, इसलिए ट्रिकी है। बेसिकली एक बात बताओ, यदि आपको राजस्थान के बारे में नॉलेज है, राजस्थान का आपने मैप अच्छे तरीके से देखा है, या आपने जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ी है तो आपने नेशनल पार्क के एरियाज को अच्छे से पढ़ा। जब नेशनल पार्क के एरियाज को अच्छे से पढ़ोगे और ये जानने की कोशिश करोगे कि किस नेशनल पार्क का विस्तार कहाँ तक है, तो डेफिनेटली आप पहला स्टेटमेंट समझ जाओगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले, इट इज स्प्रेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, बिल्कुल सही है, टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये तो पता ही होगा ना, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, तो ये राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर, बाड़मेर और जैसलमेर दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ नेशनल पार्क है। ऑब्वियसली जो दो डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क फैलेगा तो बड़ा ही होगा ना साइज में। दूसरा, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। देखो क्या होता है, वैसे एक सामान्य व्यक्ति को यहाँ पर रहने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन कई सारी ऐसी ट्राइब्स होती हैं जिनका वो आवास स्थान होता है, जो कई सालों से वहां पर रह रही हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट यदि हमने वहां से उनको शिफ्ट किया तो हो सकता है उनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है ना। जैसे आपने अंडमान में सुना होगा, जो सेंटेलियंस हैं, ठीक है ना, वो प्रोटेक्टेड एरियाज में ही रहते हैं, ठीक है ना, और गवर्नमेंट भी उनको डिस्टर्ब नहीं करती, इनफैक्ट कोई बाहर से व्यक्ति उनके एरिया में भी नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, कई सारे नेशनल पार्क में एक बाहरी व्यक्ति नहीं रह सकता वहां पर, लेकिन जो वहां की एसोसिएटेड ट्राइब्स हैं वो तो वहां पर रहती ही रहती हैं। तो अब यहाँ पर इन्हें क्या, देयर आर सम ह्यूमन हैबिटेशन, यदि लिखते देयर आर सम, ठीक है ना, तो सही होता, लेकिन देयर इज नो, बिल्कुल मतलब क्या बोल दिया, बिल्कुल भी नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यदि आप नेशनल पार्क की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो नेटिव ट्राइब्स होती हैं उस एरिया की वो वहां पर रिसाइड कर सकती हैं, लेकिन कोई एक्सटर्नल ट्राइब या बाहरी बसावट की वहां पर इजाजत नहीं होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो हमारा सही है, ठीक है ना, सेकेंड वाला गलत हो जाता। थर्ड, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यार ये कितनी बार यूपीएससी को कितना ज्यादा प्रेम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से, हर दूसरे तीसरे साल इसके बारे में पूछता, बिल्कुल सही है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्या है, नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है ना। तो पहला सही है, तीसरा सही है, देखते हैं पहला और तीसरा किस में आ रहा है, सी वाले में आ रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इसका जो आंसर है वो 1 और 3 है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं, आप कैसा लग रहा है, आपको ये डिस्कशन कैसा फील कर पा रहे हैं, आपके कुछ सजेशंस हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वो जेन्युइन कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉयटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है ना। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यदि आप लोगों ने, अच्छा कई सारे स्टूडेंट एमपीपीएससी तो देते ही होंगे, एज यू बिलोंग टू एमपी, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि एमपीपीएससी में पिछले बार का जो सिलेबस था उसमें एमपीपीएससी में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था। यदि आपने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ा है तो आपने इसके अलग अलग सेक्शंस पढ़े होंगे। इसका सेक्शन जो 3 है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जिन लोग को ये पता ही नहीं है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी होती क्या है, तो वो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 3 के अंतर्गत सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इसका गठन किया गया है,
ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर, भारत में जो अंडरग्राउंड वाटर है इसकी क्या स्थिति आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाटर डे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्ल्ड वाटर डे कब कब मना, मतलब किस दिन मनाया जाता है, ठीक है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। वर्ल्ड वाटर डे, तो जब भी वर्ल्ड वाटर डे होता है, कोई भी डे आता है, क्यों आता है, ताकि हम उस नेचुरल रिसोर्स के प्रति जागरूकता विकसित कर पाए, ठीक है। तो वर्ल्ड वाटर डे पे क्या होता है कि एक रिपोर्ट आती है, तो उसमें बताया जाता है कौन कौन से देश अंडरग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में आज ये स्थिति हो चुकी कि गवर्नमेंट को वहां पर बैन करना पड़ा है, वहां पर जो बोरवेल्स हैं ट्यूबवेल्स खोदने की परमिशन खत्म करनी पड़ी है, क्योंकि उनने अपना कैपेसिटी से ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट कर लिया है। तो आज भारत में ग्राउंड वाटर की क्या स्थिति है उसको एग्जामिन करना और उसकी रिपोर्ट बनाना, ताकि कल को हम ग्राउंड वाटर एज अ रिसोर्स प्रिजर्व कर पाए, ये जो जिम्मेदारी दी गई है ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को दी गई है। तो अब यदि आपको लगता है कि सर ये कैसा क्वेश्चन, क्या ये टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं आपको चेक करता है कि वाकई में आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं, आप एक डेप्थ में जाके तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं। अब यहां पर क्या है कि जिन लोग को पता है सीजीडब्ल्यूए के बारे में, ठीक है ना, उनको हो सकता है पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा क्या कठिन लगे, वो कठिन है भी क्योंकि एज सच कोई डेटा कभी भी कोई लिख देगा ना 50%, 75%, 80%, 90%, याद रखना 99% केसेस में वो गलत ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा जो डेटा होता है ना वो पूरी तरीके से वेरीफाइड नहीं होता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ समझ में आया। तो एक्सट्रीम लेवल पर आकर जैसे अभी अपन लास्ट क्वेश्चन देखा नेशनल पार्क के बारे में कि किसी भी प्रकार का ह्यूमन हैबिटेशन हो ही नहीं सकता डेजर्ट नेशनल पार्क में, ठीक है ना, एक्सट्रीम लेवल पर स्टेटमेंट दे दिया गया, गलत था। यहां पर इसने एक्यूरेट एग्जैक्ट डेटा दे दिया, तो ऑब्वियसली यदि आप कंफ्यूज हो तो ये मान के चलना इस तरीके का जो डेटा होता है ये गलत ही होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें लिखा है 36% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है ना, ऐसा कोई डेटा अभी आप गूगल भी कर लीजिएगा वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद CGWA was formed under the Environment Protection Act. देखो अभी मैंने आपको बताया ये इसकी जो रूपरेखा है वो Environment Protection Act 1986 में है, ठीक है। इसके बाद इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड, अभी मैंने बताया पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों की स्थिति बताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्होंने कैपेसिटी से ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया हुआ, एक समय ऐसा आएगा कि जब जमीन के नीचे पानी ही नहीं बचेगा, ठीक है ना, तो कल को जब आप नेचुरल रिसोर्सेज का इतना अधिक मात्रा में एक्सप्लॉयटेशन कर देंगे, इतना एक्सट्रीम लेवल में एक्सप्लॉयटेशन कर देंगे, तो आप कुछ सोचिए ना कि आप क्या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर जा पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो सेकेंड एंड थर्ड ये मैं बता दिया आपको, बिल्कुल इंडिया, बिल्कुल आप देखेंगे इंडिया चाइना ऐसे देश मतलब टॉप फेयरिस्ट में इंडिया भी आता है इसमें, तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड सही होता है ऑप्शन बी। तो अब आप समझ पा रहे होंगे यूपीएससी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, जरूरी नहीं आपसे हर एक क्वेश्चन 100% बने, इसका ये भी मतलब नहीं कि आप वहीं पर निराश हो जा रहे यार मैं तो पढ़ के नहीं आया, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, मैं अच्छे से पढ़ लेता, ये बुक पढ़ लेता, वो बुक पढ़ लेता, टू बी वेरी फ्रैंक कोई बुक कोई नोट्स काम नहीं आते हैं, ये आपका लॉजिक होता है और आपने जो साल भर एक रोटेशन में तैयारी की है वो काम आता है, ठीक है ना। और वहां पर कई बार क्या होता है यूपीएससी आपके माइंडसेट को टेस्ट करता है कि डिस्पाइट ऑफ नोइंग दैट कि आपसे क्वेश्चन 100% नहीं बन रहा है, क्या फिर भी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। ये यूपीएससी इस समय क्या कर रहा है, एलिमिनेशन पर ज्यादा फोकस है, यानी आप यदि पहचान पा रहे हो अपनी स्ट्रेंथ को कि इस क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर लूंगा, ठीक है ना, तो आप डेफिनेटली यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे। और इस समय जितने बच्चे क्रैक कर रहे हैं ये एलिमिनेशन को अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल लेकर चल रहे हैं। अभी मैंने आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा वर्ल्ड वाटर डे कब आता है, 22 मार्च, जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही दिया आपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, देखिए विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर समरसेबल पंप्स। देखो क्या होता है कि सोलर पंप जो है, तो देखो समरसेबल आपको तो पता होगा जिन जिन घर जिनके घर में बोरवेल होता है वहां पर जो पंप होते हैं अंडरग्राउंड वाटर को खींचने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, समरसेबल पंप्स कहलाते हैं। तो सोलर पंप क्या सिर्फ सरफेस वाटर को ही खींचेगा, अंडरग्राउंड वाटर को नहीं खींचेगा, किसने कहा भैया, ये कहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। तो जो सोलर पंप होता है
ये अंडरग्राउंड वाटर को भी खींच सकता है, सरफेस वाटर को भी खींच सकता है, ठीक है ना। तो फिर वही बात है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप बेसिक यदि नॉलेज अपनी अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाता है। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विद पिस्टन। देखो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सोलर पंप होते हैं, ठीक है ना, और ये बहुत कॉमन चीज है, ठीक है ना, अब तो गांव में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये जितने भी सोलर पंप्स होते हैं, सोलर पंप को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी यू कैन डिवाइड द सोलर पंप्स इनटू टू टाइप्स, ठीक है ना। वन इज अ पंप विद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला पंप क्या होता है, ये तेजी से घूमता है और तेजी से रोटेट करके क्या करता है, अंडरग्राउंड वाटर को क्या करता है, खींचता है, पानी को खींचता है, पानी को लिफ्ट करता है, ठीक है ना। और दूसरा इसका जो टाइप होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एक ऐसा पंप होता है जिसमें पिस्टन यूज किया जाता है, पिस्टन की सहायता से जो वाटर है उसको क्या किया जाता है, लिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड जो स्टेटमेंट है, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विद पिस्टन। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सोलर पंप होते हैं ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है ना, एंड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट वालों में क्या होता है, पिस्टन होता है। तो भैया ये तो उल्टा बोल रहा है ना कि सेंट्रीफ्यूगल सोलर पावर सेंट्रीफ्यूगल पंप को तो रन कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन पिस्टन को रन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। सोलर पावर से सेंट्रीफ्यूगल पंप भी चला सकते हो और जो डिस्प्लेसमेंट वाले पंप है यानी पिस्टन वाले पंप है उनको भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों गलत हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर वन और टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसकी सहायता से आप वर्तमान के कई सारे कार्य कर सकते हैं। एक सैटेलाइट जिस तरीके से अर्थ की ऑर्बिट में जाके फंक्शन करता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित होता है। इसी तरीके से एक रोबोट जो घर में काम कर रहा है, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित होता है। इनफैक्ट आपके स्मार्टफोन्स में कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में ट्रांसलेटर्स होते हैं, ठीक है ना, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। तो ऑब्वियसली यदि आपको बेसिक नॉलेज भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मजाक के और कुछ भी नहीं है। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स। बिल्कुल सही है, याद रखना, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग से आप कई सारी ऐसी तकनीक ईजाद कर चुके हो, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत क्या होगा, घर की जितनी भी लाइट्स होंगी उनको क्या कर दिया जाएगा, एक सर्वर से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। अब इस सर्वर से जब आप घर की लाइट्स को जोड़ोगे तो एक कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग चलेगी कि कितना पावर कंजम्पशन किस घर के एरिया में हो रहा है। तो ये ऐसी स्टेट हो जाएगी कि जब आप चाहोगे जिस कमरे में आप रहोगे वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जिस कमरे से आप बाहर निकलोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, तो लाइट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एप्लीकेशन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना। ये इंडस्ट्रीज में यूज करके आप क्या कर सकते हो, पावर कंजम्पशन को काफी हद तक कंट्रोल या रेगुलेट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जो बिजली का बड़ा बड़ा बिल आता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बिल्कुल सही। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर के हेल्प से जो भी हमारे बनते हैं ये सब कर सकते हो। डिसीज डायग्नोसिस ये भी किया जा सकता है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन बिल्कुल किया जा सकता है। और वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पर यदि अपन बात करें तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इट हैज़ मल्टीपल एप्लीकेशन, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। इनफैक्ट इन फ्यूचर आप देखोगे कई सारी ऐसी कार्स होंगी जो ऑटो ड्रिवन होंगी जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा। इनफैक्ट आप देखोगे जैसे आजकल ड्रोन्स को यूज किया जाता है, तो आपने कभी सोचा है जो ड्रोन होता है ये किस तरीके से एरियल रूट अपनाता है, किस तरीके से हवा में उड़ता है? तो ऑब्वियसली इसमें भी तो कोई प्रोग्रामिंग होती होगी, इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है वो पाइथन होती है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं, जब ऑटो ड्रिवन कार्स आ जाएंगी और ये पाइथन टेक्नोलॉजीज को जब हम स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे या कहीं पर भी इसको यूज करेंगे तो आप देखोगे कि नए नए इनोवेशन देखने को मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो
इसका एक बहुत ही इजी आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया आपको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से आप कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, प्रोग्राम होता है। इसकी सहायता से कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते हैं जो ऑटोमेशन मोड में जाकर सॉन्ग्स एंड स्टोरीज। अब एक सैटेलाइट जब फंक्शनल होती है तो कोई आप उसको ऐसा थोड़ी होता है कि आप सैटेलाइट को हर एक पॉइंट पर जाकर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। अब सपोज करो कि आपको एक पर्टिकुलर नोट पर सॉन्ग को कंपोजिशन करना है, एक पर्टिकुलर नोट पर जब आप सॉन्ग का कंपोजिशन क्रिएट करेंगे तो आपने क्या किया, उसी के अकॉर्डिंग कमांड दे दिया। जब आपने वो पर्टिकुलर प्रोग्राम जनरेट कर लिया है तो अब उस प्रोग्राम को फॉलो करते हुए क्या हो जाएगा, सॉन्ग का कंपोजिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये तो ऑब्वियसली आप जानते ही हो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर जो आजकल काम कर रहे हैं तो एक उनको एक कमांड दिया जाता है ना, उनको एक सेट ऑफ कमांड क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। तो जब तक आप उनको प्रोग्राम नहीं करोगे तब तक वो इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये भी एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, ऑल्दो इसका यूज काफी हद तक हो चुका है, ठीक है ना। एक इसका सबसे पहला यूज है क्रिप्टो करेंसी का सबसे अच्छा एग्जांपल है बिटकॉइन, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ी है वो लोग आसानी से इसको सही कर देते, ठीक है ना। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है, ठीक है ना, फिर आप लोग कोशिश करिएगा इसका आंसर फाइंड करने की। देखिए क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिग डेटा के मैनेजमेंट में यूज की जाती है। बिग डेटा मतलब जब डेटा का साइज टेराबाइट्स में पहुंच जाए, ठीक है ना, तब ऐसे डेटा को क्या कहा जाता है, बिग डेटा कहा जाता है, ठीक है ना। अब आपके घर में जो हार्ड डिस्क स्टोरेज होता है यदि वो जीबीज में है तो ये डेटा एक नॉर्मल है, लेकिन इसरो का जो डेटा है वो बहुत बड़े साइज का है, तो ये जो डेटा है क्या कहलाएगा, बिग डेटा कहलाएगा, ठीक है ना। अब ये जो बिग डेटा है बेसिकली इसको मैनेज करना है, तो बिग डेटा को मैनेज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी उसका नाम है हडूप, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि अब सपोज करो कि बैंक्स में इतने सारे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, डेटा का साइज डेली बढ़ता चला जा रहा है, कल को कोई 10 साल पुराना डेटा रिट्रीव करना हो और सपोज करो रिट्रीव नहीं हो पा रहा है, तो आप सोचोगे ना कि एक काम करते हैं आज से ही इस डेटा को संभाल संभाल कर अलग अलग जगह पर रख देते हैं। जिस तरीके से आप पैसे को एक इकट्ठा करके किसी एक बॉक्स में नहीं रखते हो, आप उसको टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगह रख देते हो, उसी तरीके से आज के डेट में डेटा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। और ये जो डेटा होता है इसको भी आप क्या करोगे, इस डेटा को भी आप पर्टिकुलरली अलग अलग ब्लॉक्स में, तो यहाँ पर ये जो बड़े साइज का डेटा है जिसे बिग डेटा कहा जा रहा है इसको क्या किया जाएगा, अलग अलग ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। सपोज करो ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ये ब्लॉक सी, ये ब्लॉक डी, इस तरीके से आपने डेटा को क्या कर लिया, अलग अलग ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लिया। हर एक ब्लॉक को क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है, ठीक है ना। इनक्रिप्शन, इसको भी हमने क्या करा, इनक्रिप्ट किया, इसको भी हमने क्या किया, इनक्रिप्ट किया, इसको भी हमने क्या किया, इनक्रिप्ट किया, ठीक है ना। इनक्रिप्शन से इसको हमने सिक्योर कर दिया है। अब ये जो ब्लॉक्स हैं इनको आपस में एक दूसरे से जोड़ देना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। यानी ये जो ब्लॉक है इसमें जो डेटा है ये इसके साथ बी ब्लॉक के डेटा के साथ कम्युनिकेट कर सके, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ। तो आपने डेटा को, एक बड़े डेटा को अलग अलग ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके इसकी क्या कर दी, एक चेन बना दी, समझ गए ना। और ये जो डेटा के ब्लॉक्स की एक जो चेन बन गई है, इनक्रिप्टेड चेन बन गई है, इसको क्या कहा जाता है, ब्लॉकचेन कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये ब्लॉकचेन होता क्या है, ठीक है ना। तो ब्लॉकचेन क्या करता है, बिग डेटा को यानी एक बड़े साइज के डेटा को अलग अलग ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके इसको इनक्रिप्ट करता है, और इनक्रिप्शन के बाद ये सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। यानी ये सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ऐसा माना जाता है ये भी क्या है, एक तरीके का फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका यूज अभी से चालू हो चुका है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके बारे में कि क्या कहा जा रहा है इसके बारे में, ठीक है ना। मीनवाइल आपको सारे स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना जरूरी है। इट इज अ विथ रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स, पहला। दूसरा, द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट
ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी. अब मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम लेवल पर कोई भी ऑल द डेटा, सारा का सारा डेटा, फिर से पढ़ो, द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली. मतलब जो भी डेटा, क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की डिजिटल मुद्रा होती है, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा होती है, जो मैनुअल, जिसको आप छू नहीं सकते. और आप देखोगे अमेरिका में इसका प्रचलन काफी बढ़ चुका है, भारत में हालांकि आरबीआई ने इसको इजाजत नहीं दी है इसको यूज करने की. तो वहां पर क्या होता है, जिस तरीके से आज आप पैसे देके सामान खरीदते हो, वहां पर क्रिप्टो करेंसी भी एक प्रोग्राम करेंसी होती है, जैसे एक प्रोग्राम से बनाया जाता है और बहुत सारे लोग इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना. तो क्रिप्टो करेंसी का जो डेटा है एक बड़े साइज का डेटा है, और ये भी क्या होना चाहिए, एक सेफ सर्वर में रहना चाहिए ताकि इसमें कोई भी इजिली मैनिपुलेशन नहीं कर पाए. तो क्रिप्टो करेंसी के डेटा को एक तरीके से मैनेज करने के लिए, ताकि इस डेटा को सिक्योर भी किया जा सके और कई साल बाद इसको रिट्रीव भी किया जा सके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है. बिल्कुल सही है, लेकिन क्या लिखा, द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ द ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली. ये जो ओनली लिख दिया, ऐसा नहीं भी है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी. कल को सपोज करो हमारे बैंक्स का जो डेटा है, इस डेटा का साइज बहुत बढ़ गया, ठीक है ना. अब बैंक सरकार के पास गई, क्या करें आप बताओ, बैंक लोग, बैंक क्या करेगा, एक रैक बनाएगा, अलग अलग हार्ड डिस्क का स्टोर करता जाएगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो सरकार भी क्या कहेगी, टेक्नोलॉजी यूज करो, ठीक है ना. तो बैंक बोलेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी, तो फिर जब ये आईटी फर्म्स के पास जाएंगे तो आईटी फर्म्स इनके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे कि आपको जो टेक्नोलॉजी यूज करना है वो क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी. कौन सी होगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी. तो हमारे बैंक्स क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या ब्लॉकचेन यूज कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो लिखा है ओनली, और ओनली ये जो वर्ड लिखा है ना, ये बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है ना. इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है. क्लियर हुआ. तो सेकंड कहाँ कहाँ पर है, देखो सी वाले में है और बी वाले में, तो सी और बी गलत हो जाते हैं. एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विद एनीबॉडीज परमिशन. देखो यहां पर याद रखना कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली, ठीक है ना, क्या लिखा, एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन, ऐसा नहीं है, ठीक है ना. कुछ ऐसे इसके फीचर्स होते हैं जिनमें परमिशन नहीं चाहिए होती, लेकिन कुछ फीचर्स में इसमें परमिशन भी, जैसे गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन फीचर यदि आप जनरेट करोगे तो उसमें आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी. तो यहाँ पर भी लिख दे विदाउट एनीबॉडीज परमिशन, इसलिए क्या तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता, गलत हो जाता है. तो पहला वाला स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है ना. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, ठीक है ना, फर्स्ट वाला इसका सही है. देखो ब्लॉकचेन तो काफी सालों से, आप देखोगे जो ब्लॉकचेन है काफी सालों से न्यूज में चल रहा है, ठीक है ना. लेकिन अब यूपीएससी ने जब उसको पूछा है तो आप देखोगे कितना डेप्थ में जाके पूछा है, एक तरीके से आपका कॉमन सेंस भी चेक किया गया है. क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, इस पर क्वेश्चन है. देखो क्या होता है कि हमारे नेशनल पार्क का जो कोर एरिया होता है, जहां पर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होती, किसी को मतलब एक सामान्य व्यक्ति को, वहां पर गवर्नमेंट बॉडीज जा सकती हैं. सपोज करो इन कोई जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है, या फिर सपोज करो कि वहां पर टाइगर को सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट बॉडीज जा सकती हैं या कोई साइंटिस्ट जा सकते हैं इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, लेकिन आम जन के लिए प्रतिबंध है. तो कोर एरिया जो होता है नेशनल पार्क का, वहां पर टाइगर रिजर्व बनती है, ठीक है ना. अब यहां पर पूछा गया है, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज द लार्जेस्ट अंडर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट. क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ठीक है ना. इसमें आप कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. देखो टाइगर एक ऐसा स्पीशी होता है जिस पर कई सारी वाइल्ड लाइफ डिपेंड करती है, ठीक है ना. टाइगर का ना होना एक तरीके से उस क्षेत्र की इकोलॉजी को प्रभावित करता है, वहां के इकोसिस्टम को भी लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है, इसलिए टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, ठीक है. तो अब यहाँ पर यदि अपन बात करें तो एक अंदाजे के तौर पर देखो क्या होता है, यहाँ पर जो आंसर है ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना. और ये पूछा भी यही है कि विच वन इज द लार्जेस्ट एरिया, तो लार्जेस्ट एरिया को यदि आप यहाँ पर मेन पॉइंट मानोगे, लार्जेस्ट एरिया को यदि आप मेन पॉइंट मानते हो, तो इसका जो आंसर है वो हो जाता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम. ये क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है, ठीक है. तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है. और इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आप समझ सको कि ये जो कुछ भी आपके एक्टिविटीज चल रही हैं या गवर्नमेंट का जो काम चल रहा है, ठीक है ना, आप उनको एक तरीके से प्रैक्टिकली आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है. अब एक मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं, ठीक है ना, देन वी विल कंटिन्यू.
इसको देख लेना बोर्ड को जरा। तब तक आप लोग क्या कर सकते हो कि आपको जो अभी तक मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हो, किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को नहीं जा रहा है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। काफी इजी क्वेश्चन है। इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस अंडर शेड्यूल सिक्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? ठीक है ना, यदि आपको ये पर्टिकुलर एक्ट आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यदि आपने पढ़ा है, थोड़ा बेसिक्स भी जानते हो, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट, सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है ना, इसका आंसर भी है, ठीक है ना, यदि किसी भी पौधे को, ठीक, किसी भी पौधे को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल सिक्स में रखा जाता है, मतलब अब आप किसी भी प्रकार से उस प्लांट का कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। तो एक बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपकी एक्ट्स की नॉलेज को, मतलब अब आप एक चीज नोटिस कर लेना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट्स भी आपको जानने जरूरी है, ठीक है ना, इनके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन के फॉर्म में यूपीएससी लगातार पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है जीरो टिलेज। आपको पता होना चाहिए एक ऐसा खेत जिसको बिना जोते आप फिर से खेती चालू कर दो, इसको जीरो टिलेज कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसके अपने कई सारे इंपॉर्टेंस, अभी आप देखोगे कि जैसे दिवाली होगी तो पंजाब हरियाणा के जो किसान होते हैं ये क्या करते हैं, जो रेसिड्यू बचता है खेतों में, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं, निकाल निकाल के जलाने लग जाते हैं, जिसको पराली कहा जाता है। इससे क्या होता है, जो धुआं होता है ये दिल्ली तक पहुंच जाता है, तो दिल्ली में क्या होता है, आप देखोगे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पर्टिकुलेट स्मॉग क्या होता है, एक प्रकार का एरोसोल होता है, तो पर्टिकुलेट मैटर्स भी उसमें PM 2.5, ठीक है ना, ये सब इनका परसेंटेज भी बढ़ता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो सबसे बड़े पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इनका भी परसेंटेज क्या है, बढ़ने लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ जीरो टिलेज की, तो इसके अपने कई सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स इसलिए होते हैं कि जीरो टिलेज से कहीं ना कहीं आप देखोगे, एक तो पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन क्यों, क्योंकि जो रेसिड्यूज होते हैं उनको जलाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब आपने बिना जोते फिर से क्या करी, खेती करना स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। तो लिखा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट, सोइंग ऑफ वीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। अब जैसे नवंबर में आप देखोगे रबी सीजन आ जाएगा, तो अब यहाँ पर चाहो तो आप बिना उसको, बिना मतलब रेसिड्यू को बाहर निकाले, बिना उसको जलाए फिर से आप क्या कर सकते हो, गेहूं की फसल को बो सकते हो, बिल्कुल सही है। विदाउट द नीड फॉर नर्सरी और राइस सैपलिंग्स, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। बिल्कुल ये भी सही है, ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। एंड थर्ड, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, ठीक है ना। अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन को अवशोषित करके रखते हैं। तो आप देखोगे जहां पर जो प्लांट होता है, या कोई आप देखोगे विशाल का ये जो ट्री होता है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये बड़ी मात्रा में कार्बन को अवशोषित करके रखता है, ठीक है ना। तो एक पेड़ का वहां से हट जाना या पेड़ का नष्ट हो जाना, ठीक है ना, वो क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज कर देगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पेड़ क्या हो गया, जंगल क्या हो गया, कार्बन सिंक हो गया, जिसने बड़ी तादाद में कार्बन को अवशोषित करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पॉइंट है ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, ठीक है ना, मतलब इस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकती है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यदि अपन मान के चलें तो कुछ ना कुछ मात्रा में, एक कॉमन लॉजिक लगाएं, कुछ ना कुछ मात्रा में तो कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होता ही होगा, कुछ ना कुछ मात्रा में तो होता होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में तो होता ही होगा। तो यदि हम इस लॉजिक के साथ चलेंगे तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा डी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग।
अगेन गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है बायोफ्यूल। आपने सुना होगा बायोफ्यूल, बायोडीजल के बारे में। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इथेनॉल, आपने सुना होगा इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल एक तरीके से शराबी होता है, ठीक है ना, लेकिन एज ए बायोफ्यूल इसको यूज किया। गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी है कि जो खराब फसलें होती हैं या जो जंगली फसलें होती हैं या ऐसी फसलें जो सड़ जाती हैं ग्रेनरीज में, उनको आप एज ए बायोफ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पिछले कई सालों से बायोफ्यूल के यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है और खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक तरीके से आगे बढ़ाने में बायोफ्यूल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपने सुना होगा कि रतन जोत की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो बीट शुगर होता है, जो शकरकंद जिसको बोलते हैं, शकरकंद की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है ना। मक्के की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो इनकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप क्या कर सको, अगले जनरेशन की जो रिफाइनरीज हैं, जो बायोफ्यूल रिफाइनरीज हैं, उनको क्या कर सको, स्टेब्लिश कर सको, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बायोफ्यूल के ऊपर जो सरकार की पॉलिसी है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अकॉर्डिंग टू इंडिया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। अब इनमें से कौन से, देखो क्या होता है यहाँ पर, एक कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। कसावा, ये क्या होता है, जमीन, एक कंद है एक तरीके से। कसावा मतलब तरीके से, जिस तरीके से हमारा शकरकंद होता है, इसी तरीके से ये भी एक तरीके का कंद होता है। डैमेज वीट ग्रेन्स बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। ग्राउंडनट सीड्स, हॉर्स ग्राम, रोटन पोटैटोज, शुगर बीट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि आप कसावा के बारे में, हो सकता है कई लोग को कसावा के बारे में जानकारी ना हो तो सीधे वो कह रहे कसावा, तो कसावा बिल्कुल सही है इसमें। डैमेज वीट ग्रेन से बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसके शुगर बीट ये भी सही हो जाता है और रोटन पोटैटोज भी सही हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो 1, 2, 5, 6, ठीक है ना, 1, 2, 5, 6 तो बिल्कुल सही हो रहे हैं, ठीक है ना। कंफ्यूजन किस में हो सकता है आपको, हॉर्स ग्राम में, हॉर्स ग्राम में, क्योंकि हॉर्स ग्राम के बारे में एज सच गवर्नमेंट की पॉलिसी में किसी भी तरीके का अभी कोई, आप सर्च भी करोगे तो हॉर्स ग्राम के बारे में एज सच कुछ भी अभी डिस्क्रिप्शन नहीं है। और ग्राउंडनट सीड्स, ठीक है ना, हॉर्स ग्राम हो गया और ग्राउंडनट सीड्स हो गया, इनके बारे में थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन की स्थिति है। हो सकता है कहीं पर आपको लगे कि ये परमिशन दे चुके हैं इनको यूज करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि अभी क्या हो रहा था, कई सारे जो राज्य सरकारें थी वो अच्छे गेहूं को भी एज ए बायोफ्यूल यूज कर रही थी। तो सरकार ने वहां पर चेतावनी जारी करी थी, कहा था कि जो गेहूं सड़ जा रहा है ग्रेनरीज में, ठीक है ना, ये जो खराब गेहूं है उसी को आप यूज कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं है जो आपके मन में आया आप उससे बायोफ्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है ग्राउंड सीड्स को लेकर, हॉर्स ग्राम को लेकर, लेकिन फिर भी इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आता है और जब आपको दिखता है 4 सही हो रहे हैं तो ऑब्वियसली 3 और 4 भी सही हो सकते हैं, तो आप इसमें डी टिक कर सकते हो। इसमें यूपीएससी का देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि डेटा एक तरीके से अपन को सफिशियंट नहीं है इसमें आंसर देने के लिए, तो डी आप आंसर टिक कर सकते हो। डी आंसर कैसे टिक किया मैंने आपको बता दिया है। अब देखो कितनी सेंसिटिव है यूपीएससी। केरल में जो हथनी का शिकार हुआ था, आपने देखा होगा अनानास में बम रख के हथनी को दिया गया था, जो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था, तो उन्होंने हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना। देखो ये तो आप सब जानते हो कि जो एलिफेंट हर्ड होता है, जो ग्रुप होता है, समझ गए ना, हाथियों का जो झुंड होता है उसकी जो लीडर होती है वो मादा, समझ गए ना, मादा हथनी होती है, ठीक है ना। हथनी यानी मादा हाथी होती है। तो एलिफेंट्स के बारे में आपको स्टेटमेंट्स एग्जामिन करने हैं, तो लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज ए फीमेल, बिल्कुल सही है। बाकी आपको पता है नहीं पता है, ठीक है ना, इसके लिए थोड़ा सा क्या आपको और डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन फर्स्ट तो आपका सही हो रहा है। जब फर्स्ट सही हो रहा है तो आप देखोगे एलिमिनेशन में जाओगे, तो सेकेंड बी और सी में फर्स्ट नहीं है तो बी और सी ऑप्शन हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना, बी और सी ऑप्शन यहाँ से हट जाते हैं। तो एक चीज एलिमिनेशन का फायदा ऐसे क्वेश्चन में होता है जब आपको क्वेश्चन में ज्यादा पूरी डिटेल नहीं पता लेकिन फिर भी 50% आप जानते हो, तो बी भी यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो, सी भी क्रॉस कर सकते हो, बचेगा ए और डी। देखते हैं, द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काविंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, ठीक है ना। ये तो आप नहीं कह सकते, ओनली वर्ड आ गया, फिर एक्सट्रीम, ठीक है ना, ये एक्सट्रीम आ गया, यानी थर्ड यहां पर हट जाएगा, ठीक है ना। तो जब थर्ड हट जाएगा तो डी आंसर, डी जो ऑप्शन है वो भी हट जाएगा, तो बचा क्या हमारा ए, ठीक है ना। और यहाँ पर अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला, आप पढ़ा है सबने, 22% हाईएस्ट किसमें, कर्नाटक विथ 22% एनिमल पॉपुलेशन, एलिफेंट पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो ये तो आप सबने पढ़ा हुआ है, तो ये तो आपके लिए इजी हो जाता है ये वाला पॉइंट, ठीक
ठीक है ना, तो इसलिए आप देखोगे तो फोर्थ वाला आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर यदि फोर्थ भी आप एग्जामिन कर लेते हो तो भी आपको काफी सारा सहारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। तो सेकंड स्टेटमेंट भले आपको नहीं पता लेकिन एलिमिनेशन से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न है मुकेश जी का कि ये यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर था। बिल्कुल, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर है, यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चंस देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। फिर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो यूपीएससी क्या कर रही है, कावेरी बेसिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये एक बेसिन के बारे में। मतलब यहाँ पर आप देखोगे कावेरी की जो ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जो सहायक नदियां भी हैं, वो जहां जहां तक जाती हैं वो कहीं ना कहीं कावेरी बेसिन को एक्सटेंड कर देती हैं, ठीक है ना। तो बेसिन में आप जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या करती हैं, बेसिन फॉर्मेशन में, ये तो बेसिक नॉलेज होगी, बेसिन फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। कावेरी बेसिन में इनमें से कौन कौन से, आप तो जानते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज में ही आते हैं, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन से नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कावेरी बेसिन में आती हैं, ठीक है ना, ये आपको आंसर देना है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो इतना तो आपको पता होगा, ये जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है, ये जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है ये आंध्र प्रदेश, कहाँ पर आता है, ये आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है ना, और आंध्र प्रदेश की गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में ये आता है, ठीक है ना। बात किसकी चल रही है, कावेरी बेसिन की चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कावेरी का कोई इन्फ्लुएंस है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड तो हटाओ पहले, सबसे पहले, और जहां जहां सेकंड है उसको हटाओ। देखो एलिमिनेशन का खेल, पहला हट गया चौथा हट गया, ठीक है ना, पहला हट गया और चौथा हट गया, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके बाद, नागरहोल नेशनल पार्क बिल्कुल सही है, कावेरी बेसिन में आता है आपका, ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क कावेरी बेसिन में आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी सही है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये भी सही है, ठीक है ना। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर नागरहोल, सत्यमंगलम, वायनाड, ये तीनों बेसिकली कावेरी रिवर के बेसिन में आने वाले प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। तो सिर्फ यदि आप पापीकोंडा के बारे में यदि आपको नॉलेज है तो काफी हद तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नागरहोल को भी आप उठा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नागरहोल पापीकोंडा, नागरहोल कहाँ पर है आपको पता होगा, कर्नाटक में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नागरहोल के बारे में यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप एक चीज जान सकते हो कि कावेरी की ट्रिब्यूटरी है काबिनी, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है काबिनी रिवर। तो ये जो नेशनल पार्क है काबिनी रिवर, काबिनी रिवर यहां से फ्लो करती है, ठीक है ना, इसलिए नागरहोल को इंक्लूड किया गया है। नागरहोल को इंक्लूड करेंगे दैट मींस फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ए सी डी इस मोड में जाओगे, लेकिन पापीकोंडा यदि उसमें आ रहा है तो आप हटा दो, तो डी तो हट ही जाता है सेकंड की वजह से, ठीक है ना, ए भी हट जाता है आपका, तो बचता क्या हमारा सी। तो ऐसे क्वेश्चंस आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो भले आपको 50% नॉलेज हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आईयूसीएन की यदि आप लिस्ट देख रहे हो, ठीक है ना, जिसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, रेप्टाइल के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, कई बार बर्ड्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार ऐसे मैमल्स के बारे में पूछ लेता है, जैसे उसने कई साल पहले ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। इसमें क्या है कि इसने कुछ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना, सेलॉन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंड मिनीबेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये सब क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, ये बर्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आप देख लेना, गूगल कर लोगे आपको पता पड़ जाएगा ये बर्ड्स हैं। तो आईयूसीएन की लिस्ट जब भी आप पढ़ोगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन इजिली पता पड़ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये सारे जो स्पीशीज होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से लिखा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बारासिंगा, आप लोग जब जब चिड़ियाघर घूमने गए होंगे तो आपने बारासिंगा को तो देखा ही होगा। बारासिंगा देखो कहां पर, बारासिंगा नहीं, ऐसा नहीं, मुकेश जी का क्वेश्चन है,
ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है, यूपीएससी के साथ एक समस्या चल रही है कि ये लोग मेन पेपर इंग्लिश मीडियम में बनाते हैं, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो जो इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन है थोड़ा जटिल हो जाता है। इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन जटिल है इसलिए कहा जाता है कि आप एक बार क्या करो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को जहां पर भी ऐसा लगता है शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इंग्लिश भी उसका देख लो, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं बारहसिंघा के बारे में। देखिए आपको पता होना चाहिए ये जो बारहसिंघा है, ठीक है ना। अब बारहसिंघा क्या ये कान्हा नेशनल पार्क से रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है, याद रखना। क्वेश्चन ही पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ द इंडियन स्वैम्प डियर बारहसिंघा दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रैमिनिवोरस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो बारहसिंघा होता है आपने देखा वो शाकाहारी होता है, ठीक है ना, घास फूस ये सारी चीजें खाता है। ये कान्हा नेशनल पार्क में भी पाया जाता है, मानस नेशनल पार्क में भी पाया जाता है, ठीक है ना, कान्हा मानस में। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो मानस नेशनल पार्क है यहाँ पर क्या है, दलदली भाग ज्यादा है, ठीक है ना। और इसने क्वेश्चन में पूछा हार्टलैंड, हार्टलैंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, मानस नेशनल पार्क में क्यों हट गया, क्योंकि हार्टलैंड का बारहसिंघा, हार्टलैंड कहाँ पर है, ठोस भूमि कहाँ पर है, कान्हा नेशनल पार्क में। तो इसीलिए जो आंसर है क्या हो जाएगा हमारा, कान्हा नेशनल पार्क हो जाएगा। जबकि यदि अपन बात करें मानस नेशनल पार्क में, तो यहाँ पर क्या है, जो मानस नेशनल पार्क है यहाँ पर दलदली भूमि ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ द इंडियन स्वैम्प डियर बारहसिंघा दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रैमिनिवोरस। तो हार्ड ग्राउंड ये पूछा है, इसलिए क्या इसका आंसर क्या हो जाता है, हार्ड ग्राउंड आपको कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको कान्हा नेशनल पार्क में। क्लियर हुआ ये चीज? एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस तो वाकई में क्या है, टफ है, ठीक है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज को भी चेक कर रहे हैं। जैसे आपने ये नेशनल पार्क पढ़े होंगे तो हर एक नेशनल पार्क की क्या होती है, विशेषता होती है। विशेषता क्या होती है, वहां पर किस तरीके की स्पीशी पाया जा रहा है, ठीक है ना, किस तरीके का स्पीशी वहां पर पाया जा रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे वहां पर कौन सा स्पीशी पाया जा रहा है, उस स्पीशी की विशेषता क्या है। तो जब आप क्या करते हैं कि नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्पीशीज की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं आपसे फिर क्या होते हैं, इजीली बनने लग जाते हैं। कमेंट करके बताएं इस बार का पेपर आपको कैसा लगा, क्या आपके लिए पेपर कठिन था या आपके लिए पेपर इंटरमीडिएट था, कमेंट करके बताएं आप, आपको पेपर कैसा लगा। ये ठीक है ठीक है ना, क्वेश्चन आ गया है। थर्टी नाइन सही है, अच्छा है। 39 मतलब मेरे ख्याल से क्वेश्चन वैसे भी इस बार का जो कट ऑफ जाएगा 40 से 45 के बीच में ही जाएगा। इंटरमीडिएट पेपर उन लोग के लिए जो थोड़ा सा क्या है कि एनालिटिकल स्किल्स रखते हैं, एनालिटिकल स्किल्स जिनके पास है तो उनके लिए इंटरमीडिएट है, लेकिन जिनके पास एनालिटिकल स्किल्स नहीं है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा किस तरीके के पेपर को देख के घबरा जाएंगे, ठीक है ना। करंट को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया क्योंकि एग्जाम बार बार डिले हो रहा था, तो यूपीएससी समझ चुका था कि अब करंट का औचित्य तो तभी रह जाता है कि फिक्स एग्जाम कैलेंडर में एग्जाम हो, ठीक है ना। तो करंट का ज्यादा वेटेज नहीं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं अच्छे लेवल के पूछे हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस में आता हूं। स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, केमिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड बिल्कुल सही है, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल बिल्कुल सही है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हो 1, 2, 3, ये क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बारे में ये द हिंदू में बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ था, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, ठीक है ना। ये हिरण की एक प्रजाति होती है, इसको कहाँ पर इसके नेचुरल हैबिटेट में प्राप्त किया जा सकता है, तो इसको एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्राप्त किया जा सकता है,
और इसको गंगोत्री नेशनल पार्क में भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वन एंड टू इसका आंसर क्या होगा, 27 का वन एंड टू होगा। अगला कोल ऐश यानी फायर, ये फ्लाई ऐश भाई, जहां पर भी कोयले की भट्टी होती है, जहां पर थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, वहां पर जब कोयले का दहन होता है तो कोयले के दहन से जो राख निकलती है उसमें हैवी मेटल्स के ऑक्साइड ऑक्साइड होते हैं। तो ये जो हैवी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं इनको क्या कहा जाता है, ये सांस लेने में दिक्कत करते हैं, ये एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। तो फ्लाई ऐश तब घातक हो जाता है जब खुले में आप इसको लगातार फैलने दें, लेकिन जब आप फ्लाई ऐश को आप एक सेपरेट एरिया में ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और फिर इसको यूज करके आप क्या करोगे, या तो आप सीमेंट का प्रोडक्शन कर सकते हो या आप ब्रिक्स का प्रोडक्शन कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो फ्लाई ऐश होता है ये आपको एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल के डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करते हुए दिखेगा, ठीक है ना। तो कोल ऐश बोल लो या फ्लाई ऐश बोल लो, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना, और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले फ्लाई ऐश, जहां पर कोयले का दहन होता है वहां पर जब कोयले के दहन से इसकी राख निकलती है तो उसमें हैवी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना, और ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक लेड मरकरी। अभी मैंने बताया था आपको कोल ऐश यानी फ्लाई ऐश, जहां कोयले के दहन से ये जो राख निकलेगी इसमें हैवी मेटल्स के ऑक्साइड होंगे, तो आर्सेनिक लेड मरकरी हैवी मेटल्स में, आपने बिल्कुल सही। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरमेंट, बिल्कुल सही। जहां ताप भट्टियां जितनी भी होती हैं, जहां पर कोयले का दहन होता है, जहां पर बिजली बनती है, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एटमोसफेयर में रिलीज होती है। फिर ये जो भारत में कोयला पाया जाता है इसमें ऐश की मात्रा अधिक होती है, मतलब कोयले का जब दहन करोगे तो इसमें अधिक से अधिक मात्रा में ऐश बाहर निकलेगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर आईएईए, ठीक है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सबसे पहले देखो, अब इसको पता ही नहीं है ये आईएईए क्या है, तो क्वेश्चन भूल ही जाए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लेख निकला था कि हमारे देश में जो यूरेनियम प्राप्त हो रहा है, यानी यदि आप यूरेनियम को अपने देश में प्राप्त कर रहे हो, यानी यूरेनियम को आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। यानी आपको दो तरीके से समझना होगा कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें कहा गया है कि यदि आपका यूरेनियम आपके देश में प्रोड्यूस हो रहा है, डोमेस्टिकल इसका प्रोडक्शन है, ठीक है ना, तब आप इसको आईएईए सेफ कार्ड्स में नहीं रखेंगे। मतलब आपके देश के भीतर बाउंड्री के अंदर यूरेनियम का प्रोडक्शन है, तब आप ऐसे रिएक्टर जिसमें आप अपने डोमेस्टिक यूरेनियम को यूज कर रहे हो न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन में, तब ऐसा रिएक्टर आईएईए सेफ गार्ड में नहीं आएगा। तो दो चीज आपको समझनी होगी, ये अच्छा क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए। पहला ये डोमेस्टिक यूरेनियम और दूसरा है इंपोर्टेड यूरेनियम, जैसे आपने कनाडा से लिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया, ये इंपोर्टेड यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक यूरेनियम यूज करने वाले रिएक्टर आईएईए सेफ गार्ड में नहीं आते हैं, ठीक है ना, जबकि इंपोर्टेड यूरेनियम यूज करने वाले रिएक्टर आईएईए सेफ गार्ड में आते हैं, समझ गए ना। तो ये याद रखना, वर्तमान स्थिति बता देता हूं कि अभी यदि अपन बात करें तो 22 रिएक्टर जो अभी ऑपरेट कर रहे हैं भारत में, 22 में से 14 ऐसे रिएक्टर हैं जो आईएईए सेफ गार्ड में आ रहे हैं। यानी यदि ये आईएईए सेफ गार्ड में आ रहे हैं, इन 22 में से 14 रिएक्टरों में इंपोर्टेड यूरेनियम यूज हो रहा है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है, अब इस क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं रखा है क्योंकि आप समझ चुके हैं। आप लोग भी आंसर दें कमेंट बॉक्स में, मुझे बताएं इसका, मैंने आपको समझा दिया है। डोमेस्टिक यूरेनियम यदि आपका रिएक्टर यूज करेगा तो आईएईए सेफगार्ड में वो नहीं आएगा, लेकिन यदि इंपोर्टेड यूरेनियम यदि यूज करेगा तो आईएईए सेफगार्ड में वो आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है, व्हाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर आईएईए सेफगार्ड व्हाइल अदर्स आर नॉट, सम यूज यूरेनियम एंड अदर्स यूज थोरियम। देखो पूरी तरीके से गलत हो जाता है ये तो डिफरेंस है ही नहीं है। सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स यूज डोमेस्टिक सप्लाईज, बिल्कुल सही है ये, अभी मैंने आपको बताया। सम आर ऑपरेटेड बाई फॉरन एंटरप्राइजेज एंड अदर्स आर ऑपरेटेड बाई डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइजेस का कोई लेना देना नहीं है। एंड डी, सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर्स आर प्राइवेटली ओन्ड, बिल्कुल। मतलब ऐसे क्वेश्चन में यूपीएससी क्या करता है, एक तरीके से मजे भी ले लेता है कि
कि वो ये उसने मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, यदि आपको बताए IAEA सेफगार्ड्स क्या होते हैं, यदि आप जानते हो डोमेस्टिक यूरेनियम यूज करने वाले रिएक्टर IAEA सेफगार्ड में नहीं आते, जबकि इंपोर्टेड यूरेनियम यूज करने वाले रिएक्टर IAEA सेफगार्ड में आते हैं, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। आंसर क्या है? बी। डी आंसर कैसे लेकर आ रहे हो आप? स्टेट ऑन, अभी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आंसर सही क्या होगा इसका? बी होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। विथ रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ट्रिम्स आपको पता होना चाहिए, पहले GATT था। GATT किसमें कन्वर्ट हुआ? WTO में कन्वर्ट हुआ। WTO के गठन के साथ दो संधियां हुई, ट्रिप्स और ट्रिम्स, ठीक है ना। ट्रिम्स क्या कहा जाता है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स कहा जाता है, ठीक है ना। यहां पर आप देखोगे कि कई सारे देशों में सुरक्षा की भावना थी कि विदेशी देश जब इन्वेस्टमेंट लेकर विकासशील देशों में आएंगे, जितने भी विकसित देश हैं, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि इन जो विकासशील देशों की कंपनियों की या उन राज्य की जो सॉवरजिनिटी है वो प्रभावित होने लग जाए। तो इसके लिए क्या है, कुछ कई सारे उपाय किए गए थे, इनको निवेश से संबंधित उपाय कहा जाता है, जिनको ट्रिम्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो ट्रिम्स के बारे में बताना है जिसको ट्रिम्स पता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अपन पढ़ते हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। पहला क्या है? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, गलत है। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने बताया था कि व्यापार से संबंधित जितने भी मतलब इन्वेस्टमेंट मेजर्स होते हैं, ट्रेड रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट मेजर्स होते हैं, उनसे संबंधित ये उपाय हैं। तो सेकंड पॉइंट एज इट इज लिखा हुआ है। थर्ड, दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो यदि यहाँ पर आप आंसर देखोगे तो सेकेंड, ये जो बी आंसर है ये इसका ओनली टू। यहाँ पर बी आंसर क्या है? सही है, ठीक है। मुकेश जी का बार बार प्रश्न आ रहा है कौन सा मीडियम अच्छा रहेगा। देखिए, जिस मीडियम में आपने 12वीं किया है, जिसमें आप सोच सकते हैं, जिसमें आप उत्तर लिख सकते हैं, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, वो मीडियम आपके लिए अच्छा रहेगा। एज सच यहाँ पर हम कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगला क्वेश्चन, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखो आपको पता होना चाहिए, वर्तमान परिदृश्य में डेटा को सुरक्षित रखना ये सरकार की भी प्राथमिकता है, कंपनियों की भी प्राथमिकता है। तो डेटा को सुरक्षित कैसे रखा जाता है? सपोज करो कि डेटा को आप एक स्थान से दूसरे स्थान भेज रहे हो, ये सुरक्षित तभी रहेगा जब आप इसको इनक्रिप्टेड करोगे। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर डेटा को इनक्रिप्ट कर रहे हो। डेटा को इनक्रिप्शन प्रोवाइड करने के बाद डेटा सुरक्षित हो जाता है, और आप देखो कि वर्तमान परिदृश्य में डेटा जब तक इनक्रिप्ट नहीं होगा तब तक उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है। तो जब यूजर अपने डेटा को इनक्रिप्ट करता है तो ये जो तकनीक होती है इसे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरीके से पूरा का पूरा समूह होता है, जिसमें पॉलिसीज होती हैं, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, प्रोसीजर्स होते हैं, और ये इसलिए होते हैं ताकि आप अपने डेटा को कितनी इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, कितना इसको सुरक्षित रख सकते हो, साथ ही साथ आप इससे डिजिटल सर्टिफिकेट्स को भी जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के शब्द का ही खेल है कि ये जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में किसकी कॉन्टेक्ट में यूज किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। तो जब आपको मैंने बता ही दिया है डेटा को सुरक्षित रखना है, यूजर अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर सकता है, साथ ही साथ एक पूरा का पूरा सेट होता है जिसमें हार्डवेयर आ जाता है, सॉफ्टवेयर आ जाता है, पॉलिसीज आ जाती हैं, तो आप समझ जाते हो डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बेंजीन C6H6 पढ़ा होगा, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की श्रेणी में आता है, ये पॉल्यूशन का क्वेश्चन है। हमारे घर में आप देखोगे जो फर्नीचर होता है, खासकर जिसमें आप देखोगे जिसमें ऑयल पेंट कर दिया, जिसमें कोटिंग कर दी है, तो ये जो घर के अंदर का फर्नीचर होता है इसमें बेंजीन होता है, और इसकी विशेषता क्या होती है, बहुत जल्दी वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा तो घर के अंदर जो एनवायरमेंट है उसमें उसकी जो हवा होती है उसमें आसानी से घुलने लग जाएगा, और ये इंडोर पॉल्यूशन विकसित कर देगा। WHO की रिपोर्ट थी कि इंडोर पॉल्यूशन के लिए बेंजीन, खासकर आप देखोगे जो हमारे फर्नीचर्स होते हैं जहां पर कोटिंग्स होती है, बहुत बड़ा खतरा बनता चला जा रहा है, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती चली जा रही है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये जो बेंजीन है, बेंजीन के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन, ठीक है ना। ये जो बेंजीन पॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये किससे उत्पन्न होता है आपको बताना चाहिए। सबसे पहले ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, बिल्कुल सही है, आपकी गाड़ियों से बेंजीन बाहर निकलता है,
एक तरीके का वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये वाष्पशील होता है, मतलब बहुत जल्दी वाष्प में परिवर्तित होता है, और जो भी मटेरियल वाष्प में जल्दी परिवर्तित होगा वो हवा में जितने भी अन्य तत्व हैं उनके साथ भी क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा और घातक हो जाएगा। इसलिए बेंजीन यदि हमारे वातावरण में ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो ये वातावरण को लंबे समय तक प्रदूषित करेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ भी क्या होता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट वाहनों से निकलता है, बिल्कुल निकलता है। टोबैको स्मोक, अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर यूपीएससी इसे क्वेश्चन बना दे, ये जो सिगरेट का धुआं होता है ठीक है ना, इससे निकोटीन बाहर निकलता है, हाइड्रोजन साइनाइड बाहर निकलता है, फॉर्मेल्डिहाइड बाहर निकलता है, लेड बाहर निकलता है, आर्सेनिक बाहर निकलता है ठीक है ना, अमोनिया बाहर निकलता है और बेंजीन भी बाहर निकलता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको सारे जो तत्व हैं जो टोबैको स्मोक से बाहर निकलते हैं पूरे के पूरे मैंने बता दिए हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक क्वेश्चन का सवाल नहीं है, अगले साल हो सकता है कि निम्न में से कौन से पॉल्यूटेंट टोबैको स्मोक से बाहर निकलते हैं, तो सेकंड भी सही होता है। तो वुड बर्निंग, लकड़ी को जलाने से बिल्कुल बेंजीन बाहर निकलता है, घर के अंदर का जो फर्नीचर होता है उससे भी निकलता है, ठीक है ना। इनफैक्ट यदि आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है वॉल्केनो, वॉल्केनो जहां पर इरप्ट हो रहा है वहां से भी क्या होता है, बेंजीन बाहर निकलता है। और यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉली यूरेथेन, ठीक है ना, पॉली यूरेथेन आपको बता रहा, घर में जो फोम होता है ना, जैसे आपने फोम के गद्दे होंगे, फोम के कुशन होंगे, ये पॉली यूरेथेन कहलाता है, उसको आप जलाते हो तो उससे बेंजीन बाहर निकलता है। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर ये जो सारे के सारे जो आपको दिए हैं ये सब बेंजीन पॉल्यूशन का क्या है, कारण बनते हैं। इजी क्वेश्चन था, पॉल्यूशन का क्वेश्चन था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज फॉर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बैकग्राउंड बता देता हूँ। थ्री पेरेंट बेबी, ये न्यूज में चल रहा था, आपने देखा होगा, विवादित चीज है थ्री पेरेंट बेबी, एक तरीके की आईवीएफ तकनीकी है, समझाता हूँ मैं आपको कि ये थ्री पेरेंट बेबी क्या होता है। देखिए ये मेल है, फीमेल है ठीक है ना, इसके शुक्राणु, इसके अंडाणु ठीक है ना, और यहां पर हमने क्या किया, एक और फीमेल ले ली ठीक है। अब आप देखेंगे मेल के शुक्राणु और फीमेल के अंडाणु ठीक है ना, ये दोनों आपस में मिलकर क्या होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ठीक है ना, जिससे क्या होगा हमारा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा ठीक है ना। अब मान लेते हैं जो पहली महिला है इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिफेक्टिव है, जब पहली महिला का माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव होगा और जब ये ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है ना, या ये जो जाइगोट फॉर्म होगा उसमें इसका डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर हो जाएगा, तब भविष्य में जो संतान पैदा होगी वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जेनेटिक बीमारी से ग्रसित होगी। अतः इस डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया को हटाने के लिए एक और फीमेल के अंडाणु को यूज किया जाता है, जिसका माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, स्वस्थ होता है, यानी इस डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया को स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया से क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा और फिर निषेचन कराया जाएगा और फिर जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ताकि भविष्य में किसी भी बीमारी से ऑफस्प्रिंग को बचाया जा सके। इस तकनीक को क्या कहा जाता है, थ्री पेरेंट बेबी कहा जाता है। थ्री पेरेंट समझ लो, यहाँ पर एक मेल और दो फीमेल यूज हुई है कि नहीं हुई है ठीक है ना, यहाँ पर इनके अंडाणु को यूज किया गया पहली फीमेल को, लेकिन इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया था जो डिफेक्टिव था उसको रिप्लेस कर दिया गया उस फीमेल के अंडाणु से, जिसका माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, स्वस्थ था। लेकिन ये विवादित है, यूके में भी इसको लेकर विवाद चल रहा है, रोक लगा दी गई है, इसलिए बहुत सारी देश की सरकारों ने इसको इजाजत नहीं दी है। तो ऑब्वियसली ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर होता है वो किसमें होता है, ये देखो, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस इन ऑफस्प्रिंग, इजी क्वेश्चन है। यूपीएससी ने कुछ सालों पहले लाइफाई के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, लाइफाई तो आप जानते होंगे लाइट फिडेलिटी के नाम से इसको जाना जाता है, इस बार यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो वीएलसी के ऊपर पूछा हुआ है ठीक है ना। अब यहां पर यदि मैं बात करूंगा वीएलसी की, तो लाइफाई से मिलती जुलती ही तकनीक है ठीक है ना, इसे विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें लाइट को यूज करके डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है ठीक है ना। तो यहां पर डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसमें विजिबल लाइट को यूज किया जाता है ठीक है ना। तो सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है इसमें आप देखेंगे,
वीएलसी यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 टू 718 नैनोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत रेडियो वेव्स, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेस को सम्मिलित किया जाता है। इतने रेडिएशन इसमें आते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये जो सात विकिरणों से मिलकर बन रहा है, उसमें विजिबल लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ क्या होगी वो पूछिए, बिल्कुल सही है, 375 टू 780 नैनोमीटर ये वेवलेंथ होती है, बिल्कुल सही है, फैक्चुअल फिगर है, ठीक है ना। वीएलसी इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, ये गलत हो जाएगा, शॉर्ट रेंजेस के लिए या मीडियम रेंजेस के लिए इसको यूज किया जाता है। मतलब सपोज करो यहां से आपको डेटा ट्रांसफर करना है तीसरी चौथी सिटी में, तब ऐसा हो। लाइफ में भी आपने देखा होगा, एक कमरे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, क्योंकि क्या होता है कि आप ये जो वाईफाई यूज करते हैं तो वाईफाई में क्या होता है, कई बार इंटरफेरेंस की समस्या आती है, इंटरफेरेंस की यानी व्यतिकरण की समस्या आती है। तो वाईफाई तकनीक में व्यतिकरण की समस्या के कारण क्या होता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाती है मॉडेम से, वैसे वैसे क्या होता है, सिग्नल वीक होता चला जाता है। लेकिन लाईफाई में क्या होता है, इंटरफेरेंस की समस्या नहीं आती है, ठीक है ना। तो लाईफाई में हम लोग क्या करते थे, एलईडी लैंप को यूज करते थे डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में। यहां पर आप फ्लोरोसेंट लैंप को यूज करते हैं, वीएलसी तकनीक में फ्लोरोसेंट लैंप को यूज किया जाता है डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में। लेकिन ये भी क्या होता है, शॉर्ट रेंज का कम्युनिकेशन होता है, मतलब शॉर्ट रेंज या मीडियम रेंज में डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, सेकंड वाला गलत होगा तो देखो पहला इसमें आ रहा है गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। वीएलसी कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ, बिल्कुल ब्लूटूथ से इसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। ब्लूटूथ के द्वारा आपने देखा, अब एक बात बताओ, मैं कहता हूँ ब्लूटूथ के माध्यम से मूवी ट्रांसफर करो, पॉसिबल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो कुछ केबीज का डेटा ब्लूटूथ से ट्रांसफर होता है जबकि ये जीबीज का डेटा ट्रांसफर कर लेता है, तो बिल्कुल सही है। और वीएलसी में इंटरफेरेंस की समस्या उत्पन्न नहीं होती, मैंने तो बताया आपको लाईफाई में भी नहीं होती, वीएलसी में नहीं होती, तभी तो कहीं ना कहीं वाईफाई के विकल्प के रूप में यूज किया जा रहा है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी के मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, पिछले वीडियो में मैंने साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, इसमें मैंने डिस्कस किए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आओगे। मैंने कोशिश की है इजी से इजी लैंग्वेज में आपको डिस्कस करूं, जो क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन किए जा सकते थे, कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल थे जिनमें कोई एक्सप्लेनेशन का रिक्वायरमेंट नहीं था। आप इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा, समझिएगा और उस अनुसार